नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में इंग्लिश रीडिंग कराने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, इस क्लास में एक बहुत ही मज़ेदार इंग्लिश की कहानी जिसका नाम है अ पैक्ट विद द सन। अ पैक्ट विद द सन। इस क्लास में दोस्तों एक एक वर्ड को बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं रीड करना सिखाऊंगा। बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन का मैं रूल सिखाऊंगा आपको कि किस रूल के तहत आप आसानी से इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोलना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यहाँ पे एक शब्द देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा है सैदाज। देखिए, एस ए डबल ई डी ए और स्टॉपी एस लगा हुआ है ना, तो देखिए इसको पढ़ेंगे सैदा। एस ए यानी स, एस एस क्या हो गया, स, डबल ई है यानी बड़े ई की मात्रा, ठीक है, और डी ए से दा, सैदा, और स्टॉपी एस लगा है, इसका मतलब हुआ का, ठीक ना, इसका मतलब क्या हुआ, सैदा का या सैदा की, ऐसे बोल सकते हैं। यानी यहाँ पे लिखा है सैदाज, एम ओ टी एच ई आर, मदर यानी सैदा की माँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैदा की माँ या सैदा की अम्मा, इस तरीका से इसका आप हिंदी निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है अ टी ए सी टी, पैक्ट। यहाँ पे सी को हम लोग क पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सी से हम लोग क पढ़ रहे हैं। तो कहाँ पे सी से स पढ़ेंगे, कहाँ पे सी से क पढ़ना है, कहाँ पे च पढ़ना है, ये सब रूल मैं इस क्लास में आपको एक एक करके बताऊंगा जहाँ पे जरूरत पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे लिखा है एस आई सी के, इसको हम लोग पढ़ेंगे सी के, क्या पढ़ेंगे, सी के। तो देखिए यहाँ पे सी है और के है, दोनों साथ में है, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग सिक पढ़ रहे हैं, यानी कहने का मतलब यहाँ भी सी से हम लोग क ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा सी ओ एम पी एल ए, देखिए यहाँ पे मैं पेन का कलर अलग ले लेता हूँ ताकि आपको दिखे, सी ओ एम पी एल ए आई एन टी, इसको पढ़ेंगे कॉम्प्लेंट। देखिए यहाँ पर भी हम लोग सी से क्या पढ़ रहे हैं, क ही पढ़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जगह आपको क पढ़ा जाता है। स कहाँ पे पढ़ा जाता है, देखिए स पढ़ा जाता है दोस्तों जब किसी भी मतलब वर्ड में सी के बाद ई हो या आई हो या वाई हो, या तीनों में से कोई भी दिख जाए तो वहाँ पे सी को स पढ़ा जाता है, बाकी जगह पे सी को क पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ भी देखेंगे लिखा है सी ओ यू जी एच, इसको हम लोग पढ़ेंगे कॉफ, सी ओ यू जी एच यानी कॉफ, कॉफ सिर्फ आप सुने होंगे, ठीक है ना, कॉफ। ए सी एच ई, इसको हम लोग पढ़ेंगे एक के, एक। अब देखिए यहाँ पे सी के बाद ई नहीं है, सी के बाद एच है फिर ई है, यानी सी के साथ जब एच लगा रहता है तो इसको दोस्तों क के रूप में भी पढ़ा जाता है और च के रूप में भी पढ़ा जाता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा, बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे मैं रूल आपको सिखाने वाला हूँ बीच बीच में। दोस्तों खूब ध्यान से इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, थोड़ी सी क्लास बड़ा हो सकता है लेकिन एक एक चीज़ यदि ध्यान से आप सीखते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस क्लास में आपको इंग्लिश पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, आसानी से आप पढ़ना सीख जाएंगे। हाँ दोस्तों, आप सीख जाएंगे, खूब ध्यान से देखिए। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे सैदाज, मदर, एच ए डी हैड, बी डबल ई एन बीन, ए आई एल आई एन जी एलिंग, एफ ओ आर फॉर अ, देखिए ए को हम लोग अ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अ, एल ओ एन जी लॉन्ग, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, लॉन्ग, ऐसे लॉन्ग, अलोंग, ठीक है, लॉन्ग, टी आई एम ए टाइम, एफ ई वी ई आर फीवर, फीवर यानी बुखार जो होता है, एक बीमारी है फीवर, सी ओ यू जी एच कॉफ, जैसे कॉफ हो जाता है ना, तो आप जाते हैं दुकान पे तो क्या मांगते हैं, कॉफ सिरप मांगते हैं ना, यानी खांसी का सिरप, फीवर यानी बोलते हैं कि इतना डिग्री फीवर हो गया, बुखार हो गया, बी ओ डी वाई बॉडी,
ACHE, एक बॉडी एक यानी देह में जो दर्द होता है, शरीर में जो दर्द होता है आपका, उसको क्या बोलते हैं, बॉडी एक। PAINFUL, पेनफुल, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, पेनफुल। GOYNTS, ज्वाइंट्स यानी जोड़ों का जो दर्द होता है, ठीक ना। देखिए ये बीमारी है सईदा के मदर के का, ये सब उसको बीमारी हो गया है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे बीमारी का नाम भी जानने के लिए मिला, जैसे कॉफ, बॉडी एक, एक साथ होता है ठीक ना, पेनफुल ज्वाइंट एंड व्हाट नॉट, ठीक है। TREATED, ट्रीटेड BY बाय अ VARIETY, वेराइटी, क्या पढ़ेंगे, वेराइटी, ठीक ना, वेराइटी। उसके बाद देखिए, खूब ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं प्रयास करूंगा पहले आपको प्रोनाउंस करने आ जाए, वर्ड को अच्छे से पढ़ने आ जाए, फिर मैं उसको ट्रांसलेट करके वर्ड मीनिंग के साथ में बहुत सारे वीडियो में बताऊंगा, और उसका भी मैं स्पेशल क्लास कराऊंगा। इस क्लास में आपको मैं प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा जोर दूंगा, प्रोनाउंसिएशन आपको मैं सिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, कि वर्ड को कैसे पढ़ते हैं, किस तरीका से आप रीडिंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे इसको हम लोग, वेराइटी ऑफ PHYSICIANS यानी फिजिशियन, जैसे फिजिशियंस होता है ना। फॉर WEEKS, विक्स, COFTEN, ऑफेन, इसको हम लोग ऑफ्टेन नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे ऑफेन। खूब ध्यान से देखिए, ऑफेन में होता है प्रायः, ठीक है, टी साइलेंट रहता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे ऑफेन। SHOWED, showed, SIGNS, साइन, देखिए ये जी साइलेंट हो जाता है इसमें, इसको हम लोग पढ़ेंगे साइन, ठीक ना, साइन और एस लगा तो साइंस हो जाएगा, ठीक ना, यानी चिन्ह होता है, लक्षण होता है, ठीक है। ऑफ IMPROVEMENT, इम्प्रूवमेंट, दोस्तों बड़े बड़े वर्ड को आसानी से पढ़ना है, धैर्यपूर्वक उसको तोड़कर पढ़ना है, ठीक ना। जैसे आई एम है तो इम, बहुत सारे वर्ड में आप देखते होंगे इम, इन ऐसे लगा रहा था, इनकम्प्लीट, इम्प्रूवमेंट, इम्पॉसिबल, तो जैसे आप आई एम इम पढ़ेंगे इसके बाद एक आपको अलग वर्ड मिल जाएगा, इम्प्रूवमेंट, ठीक ना। बट SOON, सुन, RELA PSED, relapsed into her old sick self, one complaint, COMPLAINT, देख सकते हैं क्या लिखा, complaint, SUB, sub, STITUTED, sub, substituted, क्या पढ़ेंगे, substituted by अनादर, ANOTHER, अनादर। मैं बहुत सारे क्लासेज में ये रूल बताया था आपको कि कहाँ पे ER हो या OR हो, AR हो, IR हो, किसी भी वर्ड में लास्ट में लगा हो तो उसको और के रूप में पढ़ते हैं। जैसे आप ऊपर पढ़े हैं मदर, यहाँ पे अनादर, यहाँ पे देखिए अंडर, ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे। जैसे ऑर्डर्स, देखिए DER है, ER है, तो अर के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ों पे यदि आप ध्यान रखते हैं तो आसानी से दोस्तों, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इंग्लिश पढ़ना बहुत आसान है, बशर्ते छोटे छोटे चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो आसानी से सीख जाएंगे, ठीक ना। चलिए THOUGH, दाव, इसको हम लोग दाव पढ़ेंगे ना कि थॉट पढ़ेंगे। देखिए THOUGHT लिखा रहेगा तो इसको पढ़ेंगे थॉट, माने विचार होता है, यहाँ पे होगा THOUGH, दाव यानी हालांकि होता है। WEAK, विक एंड टू कलरलेस, COLOURLESS यानी कलरलेस। सी वाज फॉरविडन, FORBIDDEN, क्या पढ़ेंगे, फॉरविडन, नॉर्मल हुड एंड वाज अंडर स्ट्रिक्ट, STRICT, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू रिमेन,
देखिए पी ई आर पर पी ई टी यू ए डबल एल वाई यानी परपेचुअली कन्फाइंड, सी ओ एन एफ आई एन डी कन्फाइंड टू हर स्मॉल डी आई एन जी वाई डिंजी रूम विद डोर्स एंड विंडोज, डब्ल्यू आई एन डी ओ डब्ल्यू एस क्या पढ़ेंगे विंडोज, एफ ए एस टी फास्ट। देखिए ये कठिन है तो इसको थोड़ी सी तोड़ कर पढ़ने का प्रयास, जिसे फास्ट एंड, फास्ट से फास्ट एंड बना है, ठीक है, फास्ट एंड डिप्राइव्ड, डी ई पी आर आई वी डी डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव्ड मींस द वंचित, डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर। दोस्तों मैं चाहता था इसको एक एक वर्ड का मैं आपको वर्ड मीनिंग बता बता कर पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करके पढ़ा सकता था, लेकिन ये बहुत बड़ी स्टोरी है। आपको मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको पहले पढ़ने तो आ जाए, पहले रीडिंग करने आ जाए अच्छे से, फिर मैं ट्रांसलेट करके पढ़ना सिखाऊंगा। उसके लिए छोटे छोटे मैं वीडियो लाऊंगा, छोटे छोटे स्टोरी लाऊंगा, जिसकी सहायता से आप आसानी से सीख पाएंगे, नहीं तो इतना बड़ा स्टोरी में आप बोर हो जाएंगे। आप इसमें केवल प्रोनाउंस करना सीखिए, मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिए लास्ट तक, केवल देखिए आप बोलने का भी प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए, व्हेन सी बिकेम क्रिटिकल, देखिए सी आर आई टी आई सी ए एल क्रिटिकल, हर रिलेटिव्स एंड नेबर्स परस्यूडेड हर टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। देखिए सी के बाद आई है तो क्या हो गया, हम लोग इसको स के रूप में पढ़ रहे हैं स्पेशलिस्ट, बताएं कि सी के बाद आई हो या वाई हो या ई हो तो स के रूप में पढ़ेंगे। जैसे प्रीसियस, देखिए सी के बाद आई है तो स हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीसियस, ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे स्पेशलिस्ट। इवन दो हिज ही वाज लाइकली टू बी हाई, एच आई जी एच हाई, लाइफ इज मोर प्रीसियस देन मनी, एम ओ एन यू आई मनी, दे सेड सईदाज मदर वाज पुअर बट शी हीडेड देयर एडवाइज एंड सोल्ड अ फ्यू ट्रिंकेट्स टू पे द डॉक्टर्स फी एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। क्या पढ़ेंगे, द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन यानी मेडिसिन का जो कीमत है, दाम है, मूल्य है, क्या पढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे, द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज एंड एग्जामिन्ड हर एंड प्रीस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट सी शुड इट, ही सेड एनीथिंग यू विश टू इट चपाती वेजिटेबल्स मिल्क फ्रूट्स इटीसी इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडेड इम्पैथिकली, क्या पढ़ेंगे, इम्पैथिकली
लिव दिस डार्क हॉवल एंड ऑक्युपाई अ बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9 सनशाइन एंड फ्रेश एयर ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन द डॉक्टर एंड हिज एडवाइज बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट सम फेवर्ड व्हाइल अदर्स अपोज्ड इट एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन afflicted with chronic cough was dangerous and experienced lady declared क्या पढ़ेंगे declared यहाँ पे देखिए सी के बाद ई है तो क्या पढ़ें experienced सब पढ़ रहे हैं हम लोग experienced declared देखिए सी के बाद नहीं है नहीं ई है नहीं आई है नहीं वाई है तो सी को हम लोग क पढ़ रहे हैं डिक्लेयर्ड देखिए अ यंगर वाई ओ यू एन जी ई आर यंगर नेवर नियरली क्वाल्ड विद हर ओवर दिस टू एक्सहॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट सईदाज मदर रिमेंड क्विट बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइज फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंस She said at last, I will carry out his instructions to the letter. Move my bed into the next room and let me sit in the sun on my charpoy. चारपाई इसको बोलते हैं फॉर एन आवर डेली मदर वाज डिजेक्टेड सी म्यूटेड ओ लॉर्ड ऑफ माइन व्हाई हैव यू ऑर्डर्ड द Son to remain hidden. How will I ever be cured? Saida was playing with her doll nearby and she heard her mother's lament. But kept calm. Later in the afternoon, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother
टू से द सन वॉज देयर, नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, इट्स टू लेट एंड चिल्ली, क्या बोलेंगे, इट्स टू लेट एंड चिल्ली, योर मदर कांट सिट आउट देयर, डिसहार्टेंड सईदा रिटर्न्ड टू हर डॉल, देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रिमेंट इंटेंगल्ड इन द टॉप ब्रांच ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री, नाउ चिल्ड्रेन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज फॉरन टू ग्रोन अप्स ऑल टुगेदर, इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विद ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स, द सन एंड द मून, परहैप्स एवन विद द अलमाइटी, यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन, डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्म्थ एंड ब्राइटनेस, यू सी माई मदर इज इल एंड नीड्स योर हेल्प, श्योरली आंसर्ड द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, वी विल बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर, नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द स्प्राइटली सनरेज एम्बेलिश्ड देमसेल्व्स फॉर देयर जर्नी डाउन टू अर्थ, द सन सेड इट्स आवर डे ऑफ अगेन, वी आर स्टेइंग अप हेयर, द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाई एन आर्मी ऑफ थिक मक्खी क्लाउड्स, द लिटिल रेज सो मच वॉन्टेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क बट दे रिमेंड क्विट, वन ऑफ देम दाउ हु हैड मेड अ पैक्ट विद लिटिल सईदा सेड, सर आई कांट स्टे बैक, आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा हुज मदर इज इल एंड नीड्स आवर हेल्प, आई विल पर्स थ्रो द क्लाउड्स टू रीच सईदाज कोर्टयार्ड, क्या पढ़ेंगे, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन होता है, हाउ एल्स विल हर
मदर बी क्योर्ड हियरिंग दिस ऑल द रेज नियरली स्टेक्ड अ रिवोल्ट अगेंस्ट दियर फादर द सन फैंसी स्टेइंग बैक अगेन दे सेड इन अ सिंगल वॉइस दे सेड इन अ सिंगल वॉइस व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस दैट वी ऑफ द हेवेंस हैव टर्न्ड लायर्स एल आई ए आर एस एन लायर्स द सन रिलेंटेड प्लीज योर सेल्फ्स ही सेड माइंड योर क्लॉथ्स द क्लाउड्स आर मक्की क्या पढ़ेंगे द क्लाउड्स आर मक्की इसके बाद देखिए दोस्तों नेवर माइंड योर सॉरी आवर क्लॉथ्स वी कैन ऑलवेज चेंज बट गो वी मस्ट एंड द रेज रश्ड टुवर्ड्स द अर्थ द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड सैदाज कोर्टयार्ड द लिटिल रेज फोकस्ड देयर हीट एंड दे हैड इनफ ऑफ इट ऑन अ बटालियन ऑफ क्लाउड्स विच हैड टू फ्ली From its post, the rage got through shooting past the bewildered clouds. They were already late. Saida saw the whole host of them approaching. And her heart leaped with joy. She shouted, Amma, Amma, the sun is here. She shouted, Amma, Amma, the sun is here. Come out. The old lady's eyes welled up with tears of gratitude. Her charpai was placed in the courtyard and she sat on it for an hour, H-O-U-R, hour, reclining against bolster. It had been months since she had felt the sun on her hands and face and breathed in fresh air, she thought देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों का टी एच ओ यू जी एच जैसे यहाँ पे लिखा है इसको हम लोग दाव पढ़ेंगे टी एच ओ यू जी एच टी इसको थॉट पढ़ेंगे टी एच आर ओ यू जी एच यानी इसको थ्रो पढ़ेंगे ठीक है काफ़ी अंतर होता है तीनों में तीनों का मीनिंग भी अलग होता है अर्थ भी अलग होता है ठीक है तो दाव देखिए यहाँ पे पढ़ें थॉट सी वाज इन अ न्यू वर्ल्ड Thou pale, her face glowed and her eyes shone bright. She saw her child
टू बाथड इन सनलाइट एंड किस्ड हर द मॉर्निंग एयर ब्रॉट, देखिए यहाँ पे मिल गया ब्रॉट द थॉट, ठीक है ना, देखिए ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेग्रेंस फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स द बर्ड्स चेंटेड अ न्यू ट्यून सईदाज मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी सी इज फुली रिकवर्ड नाउ बट सी स्टील फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइज एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंगफुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस क्लास को शुरू से लास्ट तक खूब ध्यान से पढ़े हैं, एक एक वर्ड को मैं आपको पढ़ना सिखाया हूं। तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।